तो ही गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं छोटा सा रेसिपी सूजी चीला। जी हाँ, सूजी चीला। इसको आप नाश्ते पे आप नॉर्मली घर पे बना सकते हो। इसको बनाने में सिर्फ आपका लगेगा 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा आपका समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बनाने में बिल्कुल भी आसान लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्याज को कर लेंगे चॉप। प्याज को हम एकदम बारीक काट लेंगे, जिसमें तो हम बारीक नहीं काट रहे, आप हाथ से बारीक काट पा रहे हो या काट पा रहे हो, वरना आपके पास चॉपिंग हो तो आप चॉपिंग में अच्छे से आप चॉप कर लोगे, वरना आप हाथ से भी बारीक काट सकते हो। हम अच्छी तरह से कर लिए चॉप। अब जिस तरह हम प्याज को चॉप किए उसी तरह हम टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। टमाटर भी हमारा चॉप हो चुका है। अब जिस तरह हम सबको करें उसी तरह शिमला मिर्चा को भी हम कर लेंगे चॉप। शिमला को भी हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चॉप हमारा हो चुका है। अब आती है हमको सब मिक्स करने की। तो हम 2 कप लेंगे सूजी। चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्चा, स्वाद अनुसार नमक और जीरा। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से पानी डाल के उसे मिक्स कर सकते हो। गाइज, हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखे थे। आप भी 15 मिनट के लिए इसे रख दीजिएगा कि सूजी हमारा अच्छी तरह से फूल जाए, तभी आपका अच्छे से होगा। अब पैन पे ऑयल डाल के आप उसे 2 कप डाल के धीरे धीरे आप वो कर लोगे, वरना आपका हो जाएगा। आप आराम से ही करना। ये हमारा एक साइड से हो चुका है। देखने में काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है और खाने में भी शायद काफ़ी क्रिस्पी हो। ये हमारा दूसरे साइड से भी हो चुका है। अब आती है इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। देखने में तो काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है। अब इसे हम खा के बताते हैं। तो गाइस, काफी क्रिस्पी, आप लोग जरूर ट्राई करना। बाय बाय गाइस।